खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते हैं कि वो कभी छुट्टी नहीं लेते, दिन के 18 घंटे काम करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो उनके विदेश दौरों का कार्यक्रम आपको देखना चाहिए। अब से बस कुछ ही देर पहले वो फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हैं। वहां पहुंचते ही उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात है। पहुंचते ही मतलब ये कि 10 घंटे के सफर के बाद प्रधानमंत्री मोदी कुछ मिनटों का भी ब्रेक नहीं लेंगे, सीधे काम पर लग जाएंगे। हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे मोदी का नॉन स्टॉप वर्किंग स्टाइल, लेकिन उससे पहले 5 हेडलाइंस। G7 का सदस्य ना होने के बावजूद भारत को बैठक में शामिल होने का न्योता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोदी को डायलॉग पार्टनर के तौर पर बुलाया है। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पीएम मोदी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हैं। फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी उनकी मुलाकात होगी। पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, अगले महीने भारत को मिलेगा पहला रफाल विमान, याद रखिए। पीएम मोदी करेंगे एयर इंडिया विमान हादसे के मेमोरियल का उद्घाटन, 60 के दशक में हादसा हुआ था। 5 दिनों की विदेश यात्रा में पीएम मोदी फ्रांस के अलावा UAE और बहरीन भी जाएंगे। दिल्ली से पेरिस का हवाई सफर करीब 10 घंटे का है। लगातार 10 घंटे की ये उड़ान किसी को भी थका सकती है। प्रधानमंत्री मोदी इस लंबे सफर को तय करके पेरिस पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके पास न थकान मिटाने का समय है न आराम करने का। पेरिस पहुंचते ही पीएम मोदी एक के बाद एक बैठकों में व्यस्त हो जाएंगे। आज सुबह 11:30 बजे जब उन्होंने फ्रांस के लिए उड़ान भरी, उस वक्त फ्रांस में सुबह के 8 बजे थे। दोनों देशों में करीब 3.5 घंटे का अंतर है। इस वक्त भारत में रात है पर फ्रांस में शाम है। पेरिस पहुंचते ही मोदी के पास सफर की थकान मिटाने का वक्त भी नहीं होगा। अब से कुछ देर में रात 10 बजे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ बैठक होगी। रात 10:30 बजे प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। रात 11:30 बजे मोदी और मैक्रों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और रात 11:45 मिनट पर मैक्रों की तरफ से सम्मान में डिनर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि पीएम मोदी पहली बार इतने बिजी शेड्यूल के साथ काम कर रहे हैं। जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं वो 1 मिनट का वक्त भी बर्बाद नहीं करते। आराम करना हो या आगे के कार्यक्रम की तैयारी, सब कुछ हवाई सफर के दौरान ही हो जाता है। हाल ही में सुषमा स्वराज की श्रद्धांजलि सभा के दौरान पीएम मोदी ने बताया था कि वो किस तरह अपने भाषणों के लिए मेहनत करते हैं। यूनाइटेड नेशंस में मेरा भाषण होना था, सुषमा जी पहले पहुंची थी। जैसा मेरा स्वभाव रहता है कि मैं बैक टू बैक काम करने की आदत रखता हूं, तो मैं पहुंचा तो मैंने कहा चलो अपन अभी बैठ लेते हैं। तो सुषमा जी ने पूछा आपकी स्पीच, मैं प्रधानमंत्री था वो मेरी विदेश मंत्रालय को संभालने वाली मेरी साथी मंत्री, वो किसे कह रही, अरे भाई ऐसा नहीं होता है। रात को ही मेरे से, मैं इतना ट्रैवलिंग करके गया था, स्पीच रात को ही तैयार हुई। पीएम मोदी G7 समिट के लिए फ्रांस जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनके और भी कई कार्यक्रम हैं। 23 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का खास कार्यक्रम यूनेस्को बिल्डिंग में भी है जो पेरिस में है, और पेरिस की इस यूनेस्को बिल्डिंग में न केवल वो भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे बल्कि वो यहां से 1950 और 1966 में हुए 2 विमान हादसों के एक मेमोरियल का भी उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ 5 दिनों की यात्रा में पीएम मोदी फ्रांस के अलावा 2 और देशों की यात्रा भी करेंगे। 23 और 24 अगस्त को वो UAE में होंगे। UAE में अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात होगी। वहां महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए एक डाक टिकट जारी करेंगे। इसके अलावा रुपे कार्ड भी लॉन्च किया जाएगा। 24 अगस्त को ही वो UAE से बहरीन जाएंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली बहरीन यात्रा होगी। बहरीन में मोदी 200 साल पुराने श्रीनाथ जी मंदिर के विकास के लिए आयोजित एक विशेष समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद 25 अगस्त को वो दोबारा फ्रांस के बियारेट शहर में G7 समिट के लिए लौटेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों की अक्सर चर्चा होती है। कई बार विपक्ष ये आरोप लगा चुका है कि मोदी ज्यादातर वक्त विदेश की धरती पर बिताते हैं, लेकिन ये सब वो कैसे करते हैं ये जानना भी जरूरी है। बीते 5 सालों में मोदी 53 विदेश यात्राएं कर चुके हैं। इनमें से 22 यात्राओं में उन्होंने एक बार में कई देशों का दौरा किया। जुलाई 2015 में सिर्फ 9 दिन में उन्होंने 6 देशों की यात्रा की थी, यानी विदेश में भी उनका पूरा वक्त सिर्फ हवाई यात्रा और बैठकों और मुलाकातों में ही बीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज करने का एक खास अंदाज है। वो अपने विदेश दौरों में व्यस्त कूटनीतिक कार्यक्रमों के बीच भी भारतीय समुदाय के साथ संवाद का समय निकालना नहीं भूलते। उनके कार्यक्रम इस तरह से बनाए जाते हैं जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के वक्त का भी पूरा इस्तेमाल किया जा सके। यहां तक कि पीएम मोदी होटल में रात भी तभी बिताते हैं जब उनका अगला कार्यक्रम दूसरे दिन सुबह से पहले न हो, वरना रात का वक्त अक्सर सफर में ही जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों का स्टाइल और वहां के नेताओं से उनकी अपनी केमिस्ट्री का ही असर है कि दुनिया में भारत की ताकत बढ़ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने मोदी को उस G7 समिट में शामिल होने के लिए बुलाया है जिसका भारत सदस्य नहीं है। जाहिर है मोदी इस मौके का भरपूर कूटनीतिक इस्तेमाल करने। ये भारत फ्रांस के रिश्तों की बढ़ती नजदीकी ही है कि जिस G7 गुट में भारत शामिल नहीं है उसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोदी को खास तौर से बुलाया है। भारत इस समिट में बतौर डायलॉग पार्टनर शामिल हो रहा है। ये मौका बेहद अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होंगे। अच्छी बात यह है कि ये सब उस देश में हो रहा है जो तमाम मुद्दों पर पूरी तरह भारत के साथ है। भारत और फ्रांस के बीच का ये रिश्ता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर भारत की आवाज और भारत की ताकत बन के फ्रांस उभरा है, चाहे मामला मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने को हो या चीन और पाकिस्तान की पहल पर कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अनौपचारिक स्तर पर ही कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत का मामला उठाने की कोशिश हो, फ्रांस ने हर बार भारत की आवाज का साथ दिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बयान के अंदर कहा कि उनकी ये यात्रा भारत और फ्रांस के बीच की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। फ्रांस कह चुका है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें तीसरे के दखल की गुंजाइश नहीं। इस मामले में मध्यस्थता की पेशकश कर चुके डोनाल्ड ट्रंप भी फ्रांस में होंगे। उस बयान के बाद पहली बार मोदी से उनका सामना होगा। मोदी की फ्रांस यात्रा का एक दूसरा पहलू भी है जिसका सीधा रिश्ता भारत की घरेलू राजनीति से है। पिछले लोकसभा चुनाव में फ्रांस के साथ हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन चुनावी नतीजों ने न केवल उन सवालों पर विराम लगा दिया है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस द्विपक्षीय दौरे के महज कुछ हफ्तों बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल यानी वायुसेना अध्यक्ष BS धनोवा इन राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारत में ले जाने के लिए फ्रांस में होंगे। ।2015 के समझौते के तहत फ्रांस भारत को 36 राफेल विमान देगा। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जाने वाला राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की नई ताकत बनेगा। इस यात्रा में मोदी भारत फ्रांस के बीच एक पुरानी कड़ी को भी छुएंगे। 24 जनवरी 1966 को फ्रांस के एल्प्स की पहाड़ियों में एयर इंडिया का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें मौजूद 117 यात्रियों में भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी थे। दुर्घटना में सभी यात्रियों समेत भाभा की भी मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में उस मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे जो विमान दुर्घटना में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है।